हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। मैं हूं विशाल। आज हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। जनरली सेंसिटिविटी का मतलब जब कोई भी एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या कोई भी, चाहे एंडोजेनस जो हमारी बॉडी वाले केमिकल्स हैं और एक्सोजेनस जो आउटर एंटीजन है, जब वो बॉडी में हमारे आते हैं तो हमारी हमारी जो बॉडी के इम्यून सेल है वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोवाइड करके हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द एंटीजन। लेकिन कभी कभी ये जो सेंसिटिविटी होती है, जो आपका जो ये हाइपर तरीके से हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा इन अप्रोप्रिएट तरीके से, जिसको कि हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड इन अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स, एक तरीके का इन अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है। इस तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी होगी जो कि डैमेजिंग हो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है और समटाइम इट मे बी फैटल, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को भी जनरेट कर सकता है। अब हम देखेंगे कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है या इन अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। जब कभी कोई भी एंटीजन, इट मे बी ड्रग और ये हमारे इंटरनल जो आपके एंटीजन है बॉडी में, चाहे दैट मे बी कैंसरस सेल, एनीथिंग, जब ये फर्स्ट एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इसको एंगल्फ कर लेते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू। तो ये जो एंटीजन के प्रोटीन्स होते हैं वो एपिटोप्स कहलाते हैं, जो फ्रेगमेंट ब्रेक हो जाते हैं। तो ये मैक्रोफेज जो होते हैं इन एंटीजन को अपनी सर्फेस में प्रेजेंट कर लेते हैं, जिसको कि हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी बोलते हैं। फिर आपका जो मैक्रोफेज है, फिर ये क्या करते हैं, आपका जो मैक्रोफेज होते हैं ये टी हेल्पर सेल से जाके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि एक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स आपका होता है। अब ये पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यहां से आपका स्टार्ट होता है, दैट इज सेंसिटाइजेशन और प्राइम ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, यहां से आपका इम्यून रिस्पॉन्स की शुरुआत होती है। लेकिन कभी कभी ये इतने इनअप्रोप्रिएट तरीके से होता है, जिससे क्या रहना आपका, उसके बाद में ये आपके बी सेल के थ्रू एंटीबॉडी को रिलीज करता है और आपके टी सेल के थ्रू साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह को रिलीज करता है, जिसके कारण हमारी बॉडी को एक डिफेंस मैकेनिज्म मिलता है। लेकिन ये इतने इनअप्रोप्रिएट तरीके से होता है कि जिससे कि आपको हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब ये कितने तरीके से हो सकता है, इनको डिफरेंट टाइप में बताया गया कि कौन कौन सा जो है इनअप्रोप्रिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। तो इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, जिसमें टाइप 1 टू टाइप 3 एंटीबॉडी मेडिएटेड कहलाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ध्यान में रखना है, टाइप 1, 2, 3 एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है और टाइप 4 आपका जो है होता है सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। टाइप 1 को हम इमीडिएट और एलर्जिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक और एटॉपी, जिसको कि हम अलग से क्लास में इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे टाइप 1 टाइप 2 की। अब हम देखते हैं टाइप 2 आपका जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट और साइटोटॉक्सिक होता है, मतलब ये एंटीबॉडी की रिलीज के कारण आपके कुछ साइटोटॉक्सिक सेल्स भी रिलीज होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को ही खाने लगते हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट होती है। फिर हम टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 जो होता है आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जिसमें कुछ तरीके के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनते हैं जो फिर आपकी बॉडी में एज अ इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है और हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट कर देता है। टाइप 4 जो आपका डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कहलाता है और सेल मेडिएटेड इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो हमने देखा कि एक जनरल ओवरव्यू हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है। हम अलग अलग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।